तो दोस्तों यहाँ पे फिर से इंस्टीट्यूट ने एक नई अनाउंसमेंट कर दी है, और ये अनाउंसमेंट एग्जैक्टली दो अनाउंसमेंट्स आई हुई हैं, एक तो ये 6 जनवरी को और जो सेकंड अनाउंसमेंट आई है 9 जनवरी को। तो दोनों के दोनों अनाउंसमेंट को हम बारी बारी देखेंगे, और ये अनाउंसमेंट मोस्टली सीए फाइनल वाले स्टूडेंट्स के लिए है जो कि सीए फाइनल में हैं। और कुछ कन्फ्यूजन्स थे कि किनको करना है ICITSS एडवांस ICITSS और किसको नहीं करना है, तो उसकी क्लैरिफिकेशन इंस्टीट्यूट ने दी हुई है। इस वीडियो में हम उस क्लैरिफिकेशन की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो अनाउंसमेंट है मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, पहले हम देखते हैं 6 जनवरी की अनाउंसमेंट। यहाँ पे 6 जनवरी की जो अनाउंसमेंट आई हुई है वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कुछ कन्फ्यूजन्स चल रहे थे जो कि सी ए फाइनल ओल्ड स्टूडेंट्स एंड सी ए फाइनल न्यू स्टूडेंट्स, और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कन्वर्जन करा रखा है, कुछ वैसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ पार्ट करा हुआ है और दूसरा पार्ट कुछ एडवांस ITT करा हुआ है लेकिन रेस्ट ऑफ द कोर्स नहीं करा हुआ है, कुछ लोगों ने कुछ नहीं करा हुआ है, और कुछ लोग जिन्होंने एग्ज़ाम पास कर रखा है और अभी मतलब उन्होंने अपना एडवांस ITT या जो भी कोर्सेज हैं उनके एग्जामिनेशन दे नहीं रखे हैं। तो कई सारी कन्फ्यूजन चल रही हैं जिससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट ने ये अनाउंसमेंट निकाली है। सारे के सारे इसमें फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस दे रखे हैं, मैं आपको सारी डिटेल्स बता देता हूँ, अगर आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। नीचे इस वीडियो के नीचे इसका लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ पे जाके आप इसको खुद जाकर के पढ़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो ज़्यादा लंबी लग रही हो, आई थिंक कि इसको सारा का सारा एक्सप्लेन करना है तो वीडियो तो थोड़ी सी लंबी तो हो ही जाएगी, अगर आप पूरी देख रहे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको थोड़ा सा टाइम बचाना है तो नीचे जाकर के उस लिंक पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं और किसको किसको करना है किसको किसको नहीं करना है सारी के सारी एक्सप्लेन मैं आपको कर देता हूँ अभी। ये तो थोड़ी सी डिटेल्स हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है, आई थिंक कि आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो इसके रिलेटेड मैंने वीडियोस बना रखी हैं और वो सारी की सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। मैं मेन टेबल पे आ जाता हूँ, ये टेबल है टेबल 1। टेबल 1 में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैटेगरी है वो स्टूडेंट्स जिन्होंने फाइनल न्यू कोर्स में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो डेफिनेटली उनको तो करना ही करना है, लेकिन यहाँ पे बिफोर अपियरिंग इन फाइनल न्यू कोर्स एग्ज़ाम, तो अगर आपको फाइनल का एग्ज़ाम देना है तो आपको पहले करना पड़ेगा ये कोर्स, और ये कोर्स आपको करना पड़ेगा। और जो टेस्ट की अनाउंसमेंट अभी थोड़े दिन पहले आई थी, मैं आपको टेस्ट की अनाउंसमेंट दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ एक मैंने वीडियो बनाई हुई थी उस टेस्ट की, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपको शायद यही टेस्ट होगा, मैं आपको ये अनाउंसमेंट दिखा देता हूँ एक बार। ये टेस्ट था जो कि इंस्टीट्यूट ने निकाला हुआ था, ये देखिए, जो कि 21st of January 2018, 18th of February 2018 और 18th of March 2018, तो ये टेस्ट हैं और ये इनके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। तो इस टेस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये वाले टेस्ट जो हैं ऐसे टेस्ट। ओके, तो ये टेस्ट भी उनको कंप्लीट करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, और बाकी कुछ मैंने लिंक्स दे रखे हैं अगर आप चाहें तो। एक्चुअली इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एडवांस ICITSS कोर्स, थोड़ा सा कुछ IT का सिलेबस है जो कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप चाहें तो वहाँ से आपको कुछ हेल्प मिल जाएगी। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, क्योंकि अभी तो फ्रेश कोर्स लॉन्च हुआ है तो कैसे क्वेश्चंस आएंगे, MCQs कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। वैसे यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट ने लिंक दे रखा है, अगर आप चाहें तो इस वीडियो में शायद नहीं है, इस पेज में नहीं है, नेक्स्ट अनाउंसमेंट में है, मैं आपको भी बता दूंगा थोड़ी देर में जैसे वो लिंक आएगा। अभी हम आराम से चलते हैं अपना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है टेबल 1, और टेबल 1 में जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी फाइनल ईयर्स में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है 1st of July के बाद, उनको तो करना है, और वो स्टूडेंट जिन्होंने कन्वर्जन कराया हुआ है ओल्ड टू न्यू, तो वहाँ पे शुड कंप्लीट द एडवांस ICITSS कोर्स, तो इनको तो एकदम कंपलसरी है, और ये भी बिफोर अपियरिंग इन फाइनल एग्जाम इन न्यू कोर्स। तो May 18 का जो एग्जामिनेशन आ रहा है, May 18 का एग्ज़ाम आने जैसे ही आएगा, तो अगर आप उसमें तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं May 18 का, तो ये आपको अगर आपने कन्वर्जन करा रखा है या न्यू कोर्स में आप हैं तो आपको ये टेस्ट कंप्लीट करने पड़ेंगे। देन ओल्ड कन्वर्टेड फ्रॉम ओल्ड टू न्यू कोर्स, तो फाइनल में जो पहले ओल्ड में थे और अभी न्यू कोर्स में चले गए, तो इनको भी कंप्लीट करना है।
और इधर बिफोर आफ्टर अपियरिंग इन फाइनल न्यू कोर्स, तो इनके लिए छूट है कि अगर कन्वर्जन करा रखा है, कन्वर्जन कराए हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप टेस्ट दे सकते हैं, बट मतलब आपको उसके बाद तो करना ही पड़ेगा। कैटेगरी टू है, मैं आपको दिखाया था, टेबल टू में है यहाँ पे कुछ कैटेगरीज और, कि फाइनल ओल्ड में थे और उन्होंने अपनी एडवांस आईटीटी कोर्स कंप्लीट कर रखी है। तो ऐसे स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने अपने ओल्ड में अभी पेपर्स दे रहे हैं, एडवांस आईटीटी भी कंप्लीट कर रखी है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे उनको करने की ज़रूरत नहीं है कुछ। देन फाइनल ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स नॉट कम्प्लीटेड एडवांस आईटीटी कोर्स, तो ऑलरेडी पास फाइनल एग्ज़ाम है तो उनको एडवांस आईटीटी करना पड़ेगा। तो जिन्होंने पास कर रखा है फाइनल कोर्स और अभी तक, लेकिन ये अभी कोर्स उनका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मेंबरशिप अप्लाई करने से पहले उनको ये वाला कोर्स पास करना पड़ेगा। और यहाँ पे फाइनल ओल्ड कोर्स कमेंस्ड आर्टिकलशिप ऑन और बिफोर 1st of February 2013, और अभी तक अभी ओल्ड स्कीम में ही है, तो इनके लिए भी ICITSS की ज़रूरत नहीं है, ये ओल्ड वाला ही अपना कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं, जैसे कि कुछ डाउट्स अगर आपको और भी आ रहे होंगे, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ फाइनल यू कोर्स रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम विच कमेंस आफ्टर 1st of July, तो इनको तो करना ही करना है। देन नेक्स्ट है कि आई एम फाइनल ओल्ड कोर्स स्टूडेंट, आई हैव कम्प्लीटेड एडवांस आईटीटी कोर्स, एम आई रिक्वायर्ड टू डू एडवांस ICITSS एडवांस आईटी कोर्स, तो जो भी है, तो इनके लिए कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे ओल्ड कोर्स हैं स्टूडेंट एंड डन एडवांस आईटीटी, एम आई रिक्वायर्ड टू गो एडवांस ICITSS एडवांस आईटी कोर्स एंड पास द टेस्ट हेल्ड देयर अंडर द बाई एग्जाम डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे इनको करना पड़ेगा एडवांस ICITSS और एडवांस आईटी कोर्स, और ये करना पड़ेगा कब, इनको मेंबरशिप अप्लाई करने से पहले। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आई थिंक कि सारे के सारे मैंने ऊपर डिस्कस कर रखे हैं। और आपको अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे टेस्ट का थोड़ा सा सिलेबस है कि टेस्ट 2 घंटे का होगा, पेन और पेंसिल मोड का होगा, एंड देन यहाँ पे आपको फाइल मिल जाएगी जिस फाइल की मैं बात कर रहा था अभी, तो ये फाइल मिल जाएगी, ये थोड़ा सा इसमें आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि सिलेबस, व्हाट इज द सिलेबस फॉर एडवांस ICITSS एडवांस आईटी टेस्ट, तो सिलेबस ऑफ एडवांस ICITSS एडवांस आईटी टेस्ट इज द सिलेबस कवर्ड अंडर ICITSS एडवांस आईटी कोर्स स्टडी मटेरियल, तो आपकी स्टडी मटेरियल में ऑलरेडी अवेलेबल होगा, तो वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से आप सॉफ्ट कॉपी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं, वेटेड अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन से सब्जेक्ट का कितना, कौन से चैप्टर का वेटेज कितना रहेगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करिए और ओपन हो जाएगा नेक्स्ट पेज, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑडिट इन ERP एनवायरनमेंट 30%, 20%, 20%, 10%, 20%, तो ये आपका जो है वेटेज रहेगा ऐसे। और ये तो खैर 5th of January की अनाउंसमेंट आई हुई थी, और ये जो वेटेज ऑफ मार्क है 5th of January, और ये जो अनाउंसमेंट आई थी 6th of January की अनाउंसमेंट जो मैंने आपको दिखा रहा था अभी जिस अनाउंसमेंट के बारे में, फिर आज भी मतलब 9th of January को इंस्टीट्यूट ने फिर से एक अनाउंसमेंट करी है। ओके, और ये है क्लैरिफिकेशन ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्लीशन ऑफ एडवांस ICITSS कोर्स, तो ये भी नियरली वैसा ही है जैसे मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बता दी हैं, एक तरीके से वैसा ही कुछ क्लैरिफिकेशन है, कुछ और थोड़ी सी और इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफिकेशन दे रखा है इसमें, कुछ और भी ज़्यादा क्लैरिफाई करके। ओके, तो इसको आप पूरी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, और उसमें कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, नियरली जो मैंने आपको पीछे की वीडियो में बताया वही सारी चीज़ें हैं। और अगर IPCC स्टूडेंट कोई देख रहे हैं और उन्होंने अगर अपने IPCC अपना जो टेस्ट है ITT का कोर्स नहीं करा हुआ है, तो मैं बोलूँगा कि आप भी जल्दी कर लीजिए, अदरवाइज़ पता नहीं कब ICAI का फिर से अनाउंसमेंट एक आ जाए और वो अनाउंसमेंट नेक्स्ट अनाउंसमेंट IPCC के लिए ही हो। तो ये नहीं कर रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम मतलब IPCC के लिए होगा, इट इज़ नॉट श्योर, बट मे बी ऐसा हो सकता है कि फिर कोई नेक्स्ट अनाउंसमेंट आए और वो IPCC के लिए। तो आप जल्दी जल्दी अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं, ओल्ड मतलब ओल्ड सिलेबस अगर आप कर रहे हैं ऑलरेडी, IPCC ओल्ड में हैं, अपना एडवांस अपना जो ITT है ITT OP वो भी आप कंप्लीट कर लीजिए, ताकि हो सकता है कि आपको फिर कन्वर्ट करा लें, तो अगर आप कन्वर्ट करा लेंगे तो फिर तो न्यू सिलेबस आपका आ जाएगा। बट मैं बोलूँगा कि आप ओल्ड में ही रहिए और आपका जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपको फिर से ये दोबारा ना करना पड़े। ओके, तो ये छोटी सी एक अनाउंसमेंट थी, बाकी अगर जैसे ही कोई फिर से अनाउंसमेंट आती है तो मैं तो वीडियोस रेगुलरली अपलोड करता रहूँगा अनाउंसमेंट के बारे में, और अगर आपको डेली ऐसे ही अपडेट रहना है इंस्टीट्यूट के बारे में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
वीडियो के नीचे उसका लिंक है और वहाँ पे रेड बटन है, रेड बटन सब्सक्राइब का, वहाँ पे सब्सक्राइब पे क्लिक कर लीजिए। वहाँ पे बेल का आइकॉन भी आएगा, वहाँ पे भी आप क्लिक करिए और सेंड ऑल नोटिफिकेशन करिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। और कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि हो सकती है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वो कभी आप मिस नहीं करेंगे। ओके, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।